मारुति सुजुकी ने आज अपनी न्यू ब्रेजा को लॉन्च कर दिया है। नई ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7,99,000 रुपए है, जबकि इसके ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट के लिए आपको 13,96,000 रुपए चुकाने होंगे। मारुति सुजुकी ने इसे 11 वेरिएंट में लॉन्च किया है। न्यू ब्रेजा की प्री बुकिंग 11,000 रुपए में ऑनलाइन और डीलरशिप दोनों पर पहले से ही हो रही है। नई ब्रेजा इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर के साथ नए जमाने की टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर के साथ मिलेगी। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ 9 इंच का स्मार्ट प्ले, प्रो प्लस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा समेत बहुत कुछ मिलेगा। मारुति ने आज अपनी ब्रेजा को बिल्कुल नए लुक में लॉन्च किया है और ये है मारुति ऑल न्यू हॉट एंड टेक की ब्रेजा। अगर इसको हम एक्सटीरियर्स को देखते हैं तो बिल्कुल डुअल टोन कलर फिक्स में है और इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो बिल्कुल नए तरीके से है। इसके साथ ही जो साइड लैंप्स है उसको LED किया है, फॉग लाइट्स को बिल्कुल नया किया हुआ है। साथ ही साथ जो पूरा एक्सटीरियर है वो बिल्कुल नए तरीके से यूथ को, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, सिटी कंप्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर हम गाड़ी के व्हील्स को बात करते हैं तो गाड़ी का जो व्हील्स है वो भी डुअल टोन एलॉय व्हील्स हैं। साथ ही साथ इसको जो है थोड़ा बाकी जो इसके सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उससे थोड़ा अपलिफ्ट किया गया हुआ है। अगर हम गाड़ी के पीछे की बात करें तो रियर्स में भी जो टेल लैंप है वो बिल्कुल LED के साथ है और बिल्कुल नए लुक में है। जो पुराने ब्रेजा है उससे बिल्कुल स्मार्ट और हाइब्रिड तरीके से हाइब्रिड गाड़ी है ये। और अगर इसको हम टॉप पे देखते हैं तो सनरूफ है और सनरूफ भी बिल्कुल नए तरीके का है। साथ ही साथ अगर गाड़ी के अंदर देखते हैं आप तो इंटीरियर्स को बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर्स बिल्कुल नए हैं और हाईटेक हैं। अगर कंपनी का कहना है कि बिल्कुल लगभग 20 से ज़्यादा नए ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो गाड़ी को चलाने वाले का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नया हो जाएगा, ऐसा कंपनी का दावा है। और कंपनी ने इसकी कीमत रखी है 7,99,000 रुपये से 14 लाख तक, यानी कि जो टॉप मॉडल होगा वो 14 लाख का होगा।